हे गाइस, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। और गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सिर्फ और सिर्फ एक एपिसोड के बाद ही दया भाभी शो से क्यों गायब हो गई अचानक। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको चार बड़े रीज़न के बारे में बताने वाला हूं, और वो चार रीज़न कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न है, बातचीत चल रही है अभी मेकर्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, दिशा वकानी और तारक मेहता शो के मेकर्स के बीच अभी बातचीत चल रही है कि कैसे क्या करना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि ये बातचीत बहुत टाइम से चल रही है। और क्योंकि दया भाभी की जो पर्सनल लाइफ है और दूसरी तरफ जो तारक मेहता की शूटिंग होती है, और क्योंकि शूटिंग बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलती है, इसीलिए दोस्तों अभी तक दिशा वकानी और तारक मेहता शो के मेकर्स के बीच अभी बातचीत चल रही है। तो इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए हमें दया भाभी देखने को मिली, ताकि हमें ये तय हो जाए कि यार दिशा वकानी दया भाभी के रूप में ही आएंगी और कोई एक्ट्रेस नहीं आएगी। दूसरा रीज़न है दोस्तों, टेकिंग केयर ऑफ हर डॉटर। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि दिशा वकानी तारक मेहता शो में क्यों नहीं आ रही, उसका यही रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि वो अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहती है अच्छे तरीके से, और उनकी बेटी उनके बिना नहीं रह सकती। इसी वजह से दोस्तों अभी तक तारक मेहता शो में दया भाभी परमानेंटली नहीं आई, और सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए हमें दिखाई गई, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो शूटिंग का टाइम होता है वो काफ़ी लंबा होता है, 12-12, 15-15, 18-18 घंटे तक का। तो इसी वजह से ये भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न है दोस्तों, हर हस्बैंड्स टर्म्स एंड कंडीशंस, और ये अभी तक र्यूमर्स हैं। मतलब दोस्तों अभी तक ये भी बात आ रही है मीडिया में कि जो दिशा वकानी के हस्बैंड हैं उन्होंने कुछ शर्तें रखी हुई हैं, जो कि तारक मेहता शो के मेकर्स अभी तक नहीं माने, या मान भी रहे हैं तो फिर भी नहीं हुई। तो कुछ इसी तरह से र्यूमर्स वगैरह चल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन हाँ खबरें तो आ रही हैं कि जो दिशा वकानी के हस्बैंड हैं और जो आशित कुमार मोदी हैं यानी कि शो के प्रोड्यूसर, उनके बीच कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर बातचीत चल रही है। तो इसी वजह से अभी तक परमानेंटली दया भाभी की एंट्री नहीं हो पाई है। चौथा जो रीज़न है दोस्तों, वो ये बताया जा रहा है कि जो शूटिंग लोकेशन है दया भाभी के घर से, वो ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन उसमें ट्रैफिक वगैरह की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो जिसकी वजह से 3-3 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। तो गाइस, ये भी एक बड़ा रीज़न है कि वो अभी तक परमानेंटली शो को ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। तो गाइस, ये थे चार ऐसे रीज़न जिनकी वजह से दिशा वकानी ने अभी तक शो को परमानेंटली ज्वाइन नहीं किया, और वो सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए शो में आई। तो गाइस, इस वीडियो के लिए हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 2210 लाइक्स। तो देखते हैं दोस्तों इस पर 2210 लाइक्स हो पाते हैं या नहीं। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अभी तक भी अपने बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।